अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टोर मैक। माई नेम इज़ आरिफ हुसैन और आज मैं आपको अमेजोन टूल्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हिलियन 10 और जंगल स्काउट का ओवरव्यू दूंगा, जबकि जो मेरी फॉलो अप वीडियो आएगी उसमें मैं कीपा और वायरल लॉन्च के बारे में डिस्कशन करूंगा। सो बिफोर आई मूव ऑन, इफ़ यू नीड टू परचेज योर सेट ऑफ टूल्स, सो AMZ टूल्स आर बेस्ट इन द बिजनेस पाकिस्तान। मैंने खुद वहीं से परचेज किए हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया। एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe store mac and hit the bell icon if you want to catch up amazon latest tips and tricks. so I want to share something with you guys. jab maine apni amazon journey start ki thi to mujhe in tools pe grip itni nahi thi back then just like you are now. so aap is video se associate karenge. this video is particularly for those beginners and vas that are new to this amazon world. so ye tools hote hain kafi important hai in making your amazon journey successful. main is series mein char tools ko cover karunga. हर टूल की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन अ रश, तो अगर आप हिलियम 10 भी सीख लें तो आपके लिए नफ है, तो यू विल गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट। सो स्टे ट्यून्ड एंड देयर विल बी अ लॉट फॉर यू गाइस, आई प्रॉमिस। हिलियम 10 की बात करते हैं तो हिलियम 10 एक बहुत ही वर्सेटाइल एंड पावरफुल सॉफ्टवेयर है और बाय फार द बेस्ट टूल फॉर प्रोडक्ट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड मच मच मोर। सो इस वीडियो में आपको सारा गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हिलियम 10 की एक्सटेंशन के बारे में, और दूसरा उसके बाद हम लोग आई विल बी ट्रांजिशनिंग ओवर टू हिलियम 10 सॉफ्टवेयर सूट, और इसको हिलियम 10 डैशबोर्ड भी कहते हैं। हिलियम 10 एक्सटेंशन की बात करूँ तो उसमें सबसे पहला मॉड्यूल है एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च। सो एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द नेम, ये जो टूल है ये आपका ज़्यादातर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है, टू बी प्रिसाइज सोर्सिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें हमारे पास दो सब मॉड्यूल्स हैं, द वन इज़ सप्लायर फाइंडर एंड द अदर वन इज़ डिमांड एनालाइजर। चलिए देखते हैं वर्क कैसे करते हैं। आपने अपनी कोई भी जो अमेजोन की मार्केट प्लेस है वो ओपन करनी है, और यहाँ पर सिंपली आपने अपना जो मेन कीवर्ड टाइप करना है। इन माई केस आई एम डूइंग रिसर्च ऑन योगा मैट, तो मैंने यहाँ पर योगा मैट लिखा है, और इससे हमारे पास ये रेलिवेंट प्रोडक्ट अमेजोन के डिटेल पेज पे शो होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर ये हिलियम क्रोम हिलियम 10 की एक्सटेंशन है जो कि आपको क्रोम के वेब स्टोर से अवेलेबल होगी। यहाँ पर आपने क्लिक करना है। सो सबसे पहले जो आपके पास, अच्छा एक और बात कि रिसेंटली हिलियम 10 ने अपनी सर्विसेज वॉलमार्ट को भी एक्सटेंड की हैं। ये बिल्कुल अभी इनका बीटा वर्जन है, ट्रायल वर्जन है बेसिकली। सो आई विल जस्ट स्टिक टू अमेजोन एंड द ओल्डर मॉड्यूल्स। जब मैं एक्सरे पे रन करता हूँ तो आपके पास जिसका एक्सरे मॉड्यूल है बेसिकली, जब आप रन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पॉपअप शो हो जाएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। सो बेसिकली व्हाट इज़ हिलियम एक्सरे, आपकी जो प्रोडक्ट डिटेल पेज है उस पर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ये मॉड्यूल उन सब की इंफॉर्मेशन गैदर करके, उन सब के डाटा को एनालाइज करके आपको एक स्क्रीन के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले योगा मैट जो मैंने कीवर्ड रिसर्च किया है उसके अगेंस्ट जो सर्च वॉल्यूम है वो इतना है, और उसका आगे ट्रेंड शो कर रहा है। देन वी हैव द टोटल रेवेन्यू जो कि ये सब सेलर्स जनरेट कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू एक सेलर कितना जनरेट करता है अगर उस प्रोडक्ट को सेल करता है, वो आपके पास यहाँ शो हो रहा है। देन आपकी एवरेज प्राइस क्या है जो कस्टमर जिस प्राइस के ऊपर ये सेल कर रहे हैं। देन हमारे पास आ जाता है एवरेज BSR, BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक बेसिकली आपका एक पैरामीटर है आपकी लिस्टिंग को जज करने का, कि हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग और आपकी इस वक्त लिस्टिंग की लिस्टिंग कहाँ पर रैंक कर रही है। तो ये BSR जितना आपका कम होगा दैट मीन्स कि दैट योर लिस्टिंग इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एवरेज रिव्यूज़, बेसिकली ये आपको एक इनसाइट देता है कि इस नीच में कितना कॉम्पिटिशन है। सो ऑन लाइटर नोट, मैं इस प्रोडक्ट के बारे में कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको लॉन्च करें अनलेस यू नो योर स्टफ़। नेक्स्ट हमारे पास ये जो कॉलम्स हैं ये आप क्या शो कर रहे हैं, बेसिकली ये सीरियल नंबर है। अमेजोन के टोटल जो 7 पेजेस होते हैं उसके ऊपर 306 स्पॉट्स होते हैं, तो ये बेसिकली सीरियल नंबर है कि आपकी कौन सी लिस्टिंग इस वक्त जब ये आप कीवर्ड टाइप कर रहे हैं उसके अक्रॉस कौन सी लिस्टिंग कहाँ स्टैंड कर रही है। नेक्स्ट इधर आपको प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बताया हुआ है कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। ये जो SP छोटा सा शो हो रहा है ये बेसिकली स्पॉन्सर्ड को शो करता है जो आपने एडवर्टाइजिंग की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एसेंस यहाँ शो हुए हैं इन प्रोडक्ट्स के, और जो जो ब्रांड्स हमारे पास सेल कर रहे हैं, और फिर इसी तरह हमारे पास जितने भी इन लिस्टिंग्स के पैरामीटर हैं वो यहाँ पर शो हुए हैं। काफ़ी एलेबरेट किया हुआ है इस सॉफ्टवेयर ने हमारे लिए सब कुछ। हमारे पास देखें प्राइस है, सेल्स बेसिकली जिस तरह आपकी जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। आपको मज़ीद कोई एडवांस अगर फिल्टर्स चाहिए तो हेयर वी हैव इट द ऑप्शन फॉर द एडवांस फिल्टर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो ये पैरामीटर्स हैं, अब इसमें काफ़ी वास्ट किस्म की सर्च आ रही है, तो आप अगर अपनी सर्च को नैरो डाउन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस के फिल्टर्स हैं, रेटिंग के फिल्टर हैं, साइज टीयर के हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड फिल्टर है यहाँ से आप उसकी एक वैल्यू सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास वो आपकी सर्च नैरो डाउन हो जाएगी। जिस तरह कुछ लोग होते हैं उनको नहीं रिक्वायर्ड होता ड्यूरिंग दियर सर्च के वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर एनालाइज करें, तो सिंपली यहाँ पर मैं उसको चेक मार करूँगा, यहाँ से मैं
सॉरी चेक मार करके मैंने अप्लाई फिल्टर किया, तो जितने भी आपके यहाँ पर स्पॉन्सर्ड एसेंस शो हो रहे थे वो यहाँ पर नहीं शो होंगे, उनका डाटा नहीं शो होगा हमारे पास। यहाँ से आप लोग CSV फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको आप एक्सेल में पेस्ट करके मैनुअली अगर फिल्टर्स लगा के कोई अपना डाटा सॉर्ट आउट करना चाहे तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। सो मूविंग ऑन टू एक्चुअल मॉड्यूल, जो कि सबसे पहले था सप्लायर फाइंडर। सो सप्लायर फाइंडर बेसिकली क्या है, आपने यहाँ पर जो भी अपनी प्रोडक्ट है कीवर्ड टाइप किया और यहाँ पर आपने क्लिक करना है फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। तो जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, उसको सोर्स कराना है, तो हेलियम आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो आपके अलीबाबा पे सोर्सेज बैठे हुए हैं उनकी नॉलेज भी आपको देता है कि यहीं से आप सोर्स कर लें। सो बेसिकली ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया हुआ है कि कितनी प्रोडक्ट आपको अलीबाबा पे इस कीवर्ड से रिलेटेड शो हो रही हैं और इनकी एवरेज स्टार्टिंग प्राइस क्या है, USD 1.20 से स्टार्ट हो रही है। सो यहाँ पर आप इधर भी आप अपनी रिसर्च को फिल्टर डाउन कर सकते हैं। लेट सपोज आप मिनिमम प्राइस लिख सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम प्राइस का फिल्टर लगा सकते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी दैट इज MOQ। लाजिम बात है जब आप किसी भी सेलर से आप डिस्ट्रीब्यूटर से अगर इन्वेंट्री अपनी उठा रहे हैं तो वो बल्क में उठाएंगे, तो जितनी आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा होगी मैस में होगी उतनी आपको प्राइस कम मिलेगी। तो बेसिकली दिस इज द मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी फिल्टर। फिर आपकी वेंडर रेटिंग्स होती हैं, जिस तरह आपकी लिस्टिंग की रेटिंग्स हैं इसी तरह आपकी वेंडर की भी रेटिंग्स होती हैं, लोगों ने उनको रेट किया होता है। उसके अलावा अगर आप एडवांस फिल्टर लगाने चाह रहे हैं, सप्लायर कंट्री कहाँ से आप शिप करवाना चाह रहे हैं, लोकली करवाना चाह रहे हैं, थ्रू चाइना करवाना चाह रहे हैं जैसा मोस्टली लोग करवाते हैं, फिर आपकी यहाँ पर एक वेंडर टाइप का फिल्टर आ रहा है कि आप किसी ट्रेडिंग कंपनी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाना चाह रहे हैं। लाजमी बात है अगर आप मैन्युफैक्चर से उठाएंगे तो आपको वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। एज ऑफ द अकाउंट, इस तरह आपके पास और सारे काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं जो आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास सारी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। ये हमारे पास था फर्स्ट मॉड्यूल, दैट इज सप्लायर फाइंडर। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज डिमांड एनालाइजर, वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता मॉड्यूल है, लेकिन उसमें क्या है, अगर आप डायरेक्ट अलीबाबा की साइट पे जाके कोई चीज़ सर्च करते हैं, और यहाँ पर मैंने योगा मैट टाइप किया और इस प्रोडक्ट को सर्च किया, हमने यहाँ से क्या करना है, हीलियम क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास आ रहा है जी एनालाइज प्रोडक्ट डिमांड ऑन अमेजोन। यहाँ पर आपने कीवर्ड टाइप करना है जो भी आपका रिक्वायर्ड कीवर्ड है, एज इन माई केस यहाँ पर है जी योगा मैट सी एनालिसिस। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ रह गई है, मार्केट प्लेस शो हो रही थी amazon.com की। सो जो भी आपकी रिक्वायर्ड ये यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायर्ड मार्केट प्लेस है जिसमें आप सेल करना चाह रहे हो, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और देन उसके हिसाब से आप रिजल्ट्स देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये आपको बता रहा है कुछ एनालिटिक्स इस कीवर्ड के अगेंस्ट, टोटल रेवेन्यू अगेन, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज प्राइस क्या है, और ये कुछ कीवर्ड है जिनके अगेंस्ट वो सर्च वॉल्यूम बता रहा है, और नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है। यहाँ पर टॉप प्रोडक्ट्स जो सेल हो रही है अमेजोन पर उनकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है। यहाँ से बेसिकली आप बंडलिंग की, जो आप अपनी लिस्टिंग की बंडलिंग करना चाहते हैं अगर जो भी आप प्रोडक्ट हंट करेंगे, सो जैसा आपको पता है 2021, अब किसी भी नीच में आप किसी प्रोडक्ट में चले जाए तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में हमारे पास सेचुरेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो आप क्या ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो उसके लिए आपके लिए बंडलिंग ज़रूरी है। तो यहाँ से आपके पास बंडलिंग के आइडियाज़ भी आ सकते हैं। सो दैट्स हाउ दिस डिमांड एनालाइजर मॉड्यूल वर्क्स। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है दैट इज एसिन ग्रैबर। अमेजोन में जब आप स्पॉन्सर्ड कंपेन्स को रन करते हैं तो उसमें हम दो तरह की टारगेटिंग करते हैं, एक होती है हमारे पास कीवर्ड टारगेटिंग और एक होती है हमारे पास एसेंट टारगेटिंग। उनकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आई विल स्टिक टू द हेलियम। प्रोडक्ट टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेट में बेसिकली हम कीवर्ड्स को टारगेट करके उन पर बिडिंग करके अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे शो कराते हैं, जबकि प्रोडक्ट एसेंट टारगेटिंग में हम लोग इट सेल्फ प्रोडक्ट्स को टारगेट करते हैं ताकि स्पॉन्सर्ड में कहीं बॉटम पे या लेफ्ट पे हमारा प्रोडक्ट शो हो जाए और वहाँ से हमारे पास कन्वर्जन हो। तो उसके लिए हमें एसेंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके लिए कि हमारे हमें हिलियम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बाई मीन्स ऑफ एसन ग्रैबर टूल। सो एसन ग्रैबर टूल में क्या होता है कि आपके पास देखिए अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जो फर्स्ट पेज पे जो भी आपके रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं उनका उसने डाटा शो कर दिया, और यहाँ पर सारे एसेंस शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली CSV फाइल डाउनलोड करके एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं और इस सब डाटा को फिल्टर आउट करके अपने जो रिक्वायर्ड एसेंस हैं जिसको आपने टारगेट करना है अपनी PPC कंपेन्स के लिए वो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। यहाँ से मैं कोई भी लिस्टिंग लेट सपोज ओपन करता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक लिस्टिंग ओपन हुई भी है, यहाँ से मैं इसके ऊपर ये वाला मॉड्यूल रन करता हूँ दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। सो हमारे पास दो तरह की फुलफिलमेंट होती है, एक FBA और एक FBM। FBM में आपको कुछ फी जो होती हैं वो वेव ऑफ हो जाती हैं, तो इसलिए मैं FBA की बात करूंगा। तो लेट सपोज ये प्रोडक्ट बेच रहा है, उसकी हमारे पास प्राइस है $104। यहाँ पर हम उसकी डायमेंशन डालेंगे, उसकी लेंथ, हाइट और विड्थ, और नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट का वेट आ जाएगा जो यूनिट का वेट है।
देन आउटबाउंड शिपिंग वेट इज़ बेसिकली द टोटल वेट इंक्लूडिंग द पैकेज, सो वो कितने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो इसका साइज़ टीयर है। डिफरेंट साइज़ टीयर में हमारे पास डिफरेंट फ़ी होती है। लाजमी बात है, अगर आप अपनी आपका साइज़ टीयर ज़्यादा है, अमेजोन के कुछ रिकमेंडेड साइज़ टीयर हैं जिसका स्टैंड स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़, लार्ज स्टैंडर्ड साइज, स्मॉल ओवर साइज़, जिस तरह जिस तरह आपका साइज़ टीयर बढ़ता जाएगा आपकी फ़ीस बढ़ती जाएंगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक होता जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए भी ये टिप होती है कि जितना हम स्मॉल साइज़ टीयर का आइटम हंट करेंगे उतना हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेट्स सपोज इस सेलर को जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी लग रही है वो अराउंड 20.99 है, और जो इसकी फ्रेट कॉस्ट है मतलब इसकी जो शिपिंग इसको पड़ रही है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पर क्यूबिक मीटर, ये हमारे पास पर वॉल्यूम पे वॉल्यूम की बेस पे चार्ज होती है, तो पर क्यूबिक मीटर इसको जो शिपिंग पड़ी है दैट इज़ $200। तो यहाँ से ये जो हमने इसकी डायमेंशन दी है और ये पर क्यूबिक मीटर के इसको स्टैट्स दिए हैं, इससे यहाँ से ये हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट निकाल के हमें दे रहा है, दैट इज़ 1.84। सो इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी पड़ रही है और नेक्स्ट हमारे पास जो शिपिंग फ़ी है वो 1.84 है। नेक्स्ट हमारे पास फुलफिलमेंट कॉस्ट आ जाती है, FBA फ़ी। FBA फ़ी बेसिकली वो फ़ी है जो अमेज़ॉन आपको जो प्राइम सर्विसेज ऑफर कर रहा है, जिसमें हमारे पास शिपिंग आ जाती है और शिपिंग अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रहा है, आपको अमेज़ॉन का बैच प्रोवाइड कर रहा है, तो उन सब की इन रिटर्न वो एक हमसे फ़ी चार्ज करता है, दैट इज़ कॉल्ड FBA फ़ी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये एस्टिमेटेड टाइम इन स्टोरेज 1 मंथ है, फॉर 1 मंथ, और अगर उससे ऊपर ये हमारे पास स्टोरेज में रहता तो हमें एक फ़ी चार्ज होगी। वो फ़ी कितनी होगी? फ्रॉम जनवरी टू सितंबर $0.6 है, और फ्रॉम अक्टूबर दिसंबर, क्योंकि अक्टूबर दिसंबर आपको पता है Q4 सीज़न होता है, अमेज़ॉन पे लोड ज़्यादा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उनके पास होती हैं, तो वो अपने शिपिंग स्टोरेज चार्जेस को ज़्यादा कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेफरल फ़ी। रेफरल फ़ी क्या होती है? इरिस्पेक्टिव ऑफ द फुलफिलमेंट मेथड, इधर इट्स FBM और FBA, आपको रेफरल फ़ी चार्ज होती है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेज में हमारे पास 15% होती है। रेफरल फ़ी वो फ़ी है जो अमेज़ॉन आपको अपने पोर्टल पे, अपने मार्केट प्लेस पे जो आप प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करके बैठे हुए हैं उसके अगेंस्ट आपको एक फ़ी चार्ज करता है, जिसको हम रेफरल फ़ी का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये डिफरेंट ड्यूटीज एंड टैरिफ एंड अदर कॉस्ट है, ये 0 ही होगी। तो प्रोवाइडेड ऑल दी स्टेट्स, इस प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ने हमें एक एनालिसिस करके दिया है कि आपको नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है अराउंड जनवरी टू सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर दिसंबर। एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि स्टोरेज फीस थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, तो इसलिए उसने दो डिफरेंट स्टैट्स हमें दी हैं। तो नेट प्रॉफिट अराउंड 55 है, इसका मतलब ये कि अगर आप ₹100 की आपकी $100 की सेल हो रही है तो उस पर आपको जो आपका प्रॉफिट आ रहा है दैट इज़ $55। सो मार्जिन कितना है आपका? 53%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 2.2%। इसका मतलब ये कि अगर आप $100 स्पेंड कर रहे हैं तो इन रिटर्न आपको $242 वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स आवर प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी प्रोडक्ट हंट करके कि हाउ मच दैट प्रोडक्ट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर यू। नेक्स्ट जो हमारा मॉड्यूल है दैट इज़ इन्वेंट्री लेवल्स। यहाँ जब अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और कंपेटिटर के डाटा को एनालाइज करते हैं और देखना चाहते हैं कि आपके कंपेटिटर की रोज़ की कितने यूनिट सेल हो रहे हैं, तो दिस टूल इज़ गोना हेल्प अस बिग टाइम। एक और मेथड भी है 999, लेकिन 999 की लिमिटेशन है कुछ। अगर जो सेलर है वो बैकएंड से आपकी मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे अगर एक लिमिट लगा देता है तो वहाँ पर 999 मेथड फेल हो जाता है। बट ये Helium 10 हमारे पास एक इस तरह का है, उसके पास मॉड्यूल इन्वेंट्री लेवल, जिससे हम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन अ डे उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो भी था योगी है, योगी बेयर USA, ये दो सेलर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें अमेजोन वेयर हाउस भी लिंकिंग करके बैठा हुआ है, तो उसके पास 1 यूनिट है, इसके पास 62 है। अगर आपके एक दिन में 62 यूनिट सेल हो रहे हैं और आप नेक्स्ट दिन आके इसका कंपेटिटर का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि इसके 42 यूनिट सेल हो गए, दैट मीन्स इसके पर डे 20 यूनिट सेल हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ मच यूनिट्स यू आर गोना सेल व्हेन यू आर लॉन्च योर प्रोडक्ट इन अ डे। सो या दिस वन इज़ रियली हेल्पफुल टूल। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ ए रिव्यू इनसाइट्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है दैट इज़ रिव्यू इनसाइट्स, जो आपके आपके रिव्यूज़ को मॉनिटर करता है। सो यहाँ से अगर आप देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि आपको रिसेंटली अगस्त के मंथ में या जब भी जितना जितना भी अपडेट फिल्टर चाहते हैं, कितने आपको नेगेटिव रिव्यूज़, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग यही देखते हैं अपने जो सेलर्स होते हैं कि हमें नेगेटिव रिव्यूज़ कितने मिले हैं, तो बजाय इसके कि हम मैनुअली एक एक रिव्यू को जाके देखें, हम इस टूल में आके डेट रेंज सेलेक्ट करके यहाँ से हम फिल्टर सेट कर सकते हैं कि हमें कितने स्टार वाले रिव्यूज़ देखने हैं, और इसी तरह हम अपने कस्टमर को अप्रोच करके उनको रिमूव करवा सकते हैं, या इवन अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं और कंपेटर के रिव्यूज़ देखना चाह रहे हैं तो 4 और 5 स्टार्स भी देख सकते हैं कि आपके कंपेटर के क्या लिस्टिंग के क्या पेन पॉइंट्स हैं और क्या उसके गुड पॉइंट्स हैं जिनको आप अचीव करके अपनी लिस्टिंग को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं।
So this one is a really good tool as far as review insights are concerned about a particular product. नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है दैट इज लिस्टिंग हेल्थ स्कोर. इसमें हम देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास तीन पैरामीटर्स हैं, प्रोडक्ट इमेजेस, लिस्टिंग टेक्स्ट एंड रिव्यूज एंड रेटिंग. प्रोडक्ट इमेजेस में इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ इमेजेस 7 है. एज पर हीलियम ये रिकमेंड करता है कि मिनिमम 7 इमेजेस आपकी लिस्टिंग में होने चाहिए टू बी फुली ऑप्टिमाइज, बिकॉज यहाँ पर जो आपके पास थंबनेल शो हो रहे होते हैं यहाँ पर ये साइट प्रोफाइल में वो मैक्सिमम 7 होते हैं. इवन अमेजोन के बैकएंड पे आपके पास 9 की लिमिट होती है लेकिन 7 थंबनेल्स एट मैक्स शो हो सकते हैं. तो दैट्स व्हाई हीलियम एवेल्युएशन रिजल्ट इज रिकमेंडिंग मिनिमम 7 इमेजेस. और मेन जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो वाइट होनी चाहिए, डायमेंशंस मिनिमम 1000 by 1000 से ग्रेटर होंगी तो ये इमेज आपके पास इस तरह से जूम इन होगी. नेक्स्ट फिर लिस्टिंग टेक्स्ट पे हम लोग आ जाएँ तो टाइटल जो करेक्टर काउंट है वो 150 या इससे ज़्यादा होना चाहिए, बुलेट पॉइंट्स आपके 5 होने चाहिए और डिस्क्रिप्शन लिमिट मोर देन 1000 होनी चाहिए करेक्टर. लेकिन सिंस इस लिस्टिंग के ऊपर इनहांस ब्रांड कॉन्टेंट है तो दैट इज़ फाइन एज वेल. रिव्यूज़ एंड रेटिंग की बात करें तो रेटिंग आपकी 4 अबव होनी चाहिए और रिव्यूज़ आपके 10 अबव होने चाहिए जो कि इस लिस्टिंग में है. सो इट्स एवेल्युएशन रिजल्ट इज शोइंग 10 आउट ऑफ 10 स्कोर. नेक्स्ट आई विल बी ट्रांजिशनिंग ओवर टू द हीलियम 10 सॉफ्टवेयर सूट और उसके बारे में हम बात करते हैं. हीलियम 10 के डैशबोर्ड पे आए तो वो कुछ इस तरह का दिखता है. सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रोडक्ट रिसर्च वाले टूल के बारे में. प्रोडक्ट रिसर्च में आए तो हमारे पास दो इसके सब टूल्स हैं, वन इज ब्लैक बॉक्स एंड अदर इज ट्रेंस्टर. सो पहले हम लोग ब्लैक ब्लैक बॉक्स के बारे में देख ब्लैक बॉक्स में है तो यहाँ पर आपके पास सब सब मॉड्यूल्स भी हैं, दैट इज प्रोडक्ट कीवर्ड कंपेटर नीश प्रोडक्ट टारगेटिंग. आप जिस तरह से भी प्रोडक्ट हंट करना चाहते हैं मोस्ट फेमस आपके पास प्रोडक्ट और थ्रू कीवर्ड रिसर्च ही है. सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा. सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं. उसमें सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी है कि कौन सी कैटेगरी में हम प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे. मेक श्योर करना है कोई ऐसी कैटेगरी आपने सेलेक्ट नहीं करनी जिसमें आपको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड हो या कोई स्पेशल कंडीशन हो फॉर FPLI कंप्लाइंसेज या फार्मास्यूटिकल या इस तरह कोई चीज़ें हमें सेलेक्ट नहीं करनी. तो वी वुड प्ले सेफ बाई सेलेक्टिंग द कैटेगरीज लाइक आर्ट्स क्राफ्ट एंड स्विमिंग और बेबी कुछ प्रोडक्ट्स. सो ये भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग. नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी आ जाती है हैंडमेड प्रोडक्ट्स की, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पैटियो लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाई, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टॉयज एंड गेम्स, टूल्स एंड हार्डवेयर इंप्रूवमेंट. सो यहाँ पर आपने 12 कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और इन से रिलेटेड अब हमें प्रोडक्ट शो होंगी. मंथली रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर कोई अनरियलिस्टिक से नंबर्स नहीं डालने क्योंकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी कोशिश यही होगी कि आप अपनी 9 to 5 जॉब को रिप्लेस करें. सो कोशिश ये करना है कि यहाँ पर ऐसे रेवेन्यू डालें जो कि रियलिस्टिक हों और आपको फिर उस नीच में इतना कॉम्पिटिशन ना मिले. सो मंथली रेवेन्यू में यहाँ पर डाल लेता हूँ अराउंड 5000 to 10000 और मिनिमम प्राइस जो यहाँ पर हम लोगों ने सेट करनी है दैट इज़ एक में ऑप्टिमल रेंज रखनी है. मिनिमम प्राइस 18 हो और मैक्सिमम प्राइस हमारे पास 50 हो. रिव्यू काउंट की अगर बात करें तो मैक्सिमम रिव्यू काउंट हमारी ये प्रोडक्ट होगी कि कोशिश होगी कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर 300 से ज़्यादा रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट्स हमें शो ना हो. रेटिंग की अगर बात करें तो इसमें भी मैक्सिमम रेटिंग हम लोग सेट कर लेते हैं 3 with 5 बींग द हाइस्ट. इससे होगा ये कि आपके पास जो अच्छी परफॉर्म करने वाली लिस्टिंग्स होंगी वो वैसे ही ओमिट हो जाएंगी. तो अगर शिपिंग साइज टियर की बात करें तो यहाँ से स्मॉल स्टैंडर्ड साइज, लार्ज स्टैंडर्ड साइज और स्मॉल ओवर साइज प्रोडक्ट्स हम लोग हंट करना चाह रहे हैं. ज़्यादा बेहतर ये है कि आप स्टैंडर्ड साइज़ और जो दोनों स्टैंडर्ड साइज़ हैं स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ ये दोनों सेलेक्ट करें. लेकिन चलिए अगर कोई ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है आप समझते हैं कि जिसमें हम वेंचर इन करके प्रॉफिट्स अपने बना सकते हैं तो आप स्मॉल ओवर साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन इससे ज़्यादा ले साइज टीयर के प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, नहीं तो हमारी FBA रेट ज़्यादा होंगे और हमारा प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवांस फिटर्स भी हैं. अगर कोई है आप लोगों से इंडिविजुअल जो स्टैट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ही इज़ कीन ऑन द डिटेल इन साइट्स, तो यहाँ से वो एडवांस फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकता है. सो आई विल जस्ट कीप इट सिंपल फॉर नाउ और यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200+ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिली हैं. सो मैनुअली आपने वन बाय वन चेक करना है कि जो प्रोडक्ट भी आपको फिजिबल लगती है और प्रोडक्ट हंटिंग के जो क्राइटेरियाज हैं वो इन पर रन करने हैं. बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग के जो क्राइटेरियाज एंड डिमांड्स सेपरेट वीडियो. सो यहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा. यहाँ से आप एक और फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि जो आपका वेरिएशन काउंट है वो 2 या 3 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये प्रेफरेबल नहीं होता कि हम लोग ऐसी प्रोडक्ट हंट करें जिसमें साइज़ वेरिएशन ज़्यादा है. सो आई जस्ट पुट नंबर 2 इन मैक्सिमम वेरिएशन काउंट एंड जी. तो ये हमारे पास अब प्रोडक्ट्स आ गई हैं. इसमें आप देखें हमारे इस प्रोडक्ट के बारे में, इसकी कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है, ये इसका कौन सा ब्रांड उसको सेल कर रहा है, देन उसका फुलफिलमेंट मेथड, जो उसका साइज टियर है और उसके बाद उसका वेरिएशन काउंट, वेट बताया हुआ है. इस तरह यहाँ बताया हुआ है कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हैं और अभी फिलहाल बाय बॉक्स आई थिंक इस वाले सेलर के पास है. नेक्स्ट हमारे पास उसकी प्राइस बताई हुई है, मंथली सेल्स, बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही इज गेटिंग पर मंथ. सो 97 है. उसके बाद हमारे पास मंथली रेवेन्यू आ जाता है इस प्रोडक्ट का कितना है, देन द BSR बेस्ट सेलर रैंक और इसके रिव्यूज़ कितने हैं. सो इस तरह और भी प्रोडक्ट्स हैं. यहाँ पर आप लोगों ने मैनुअली इन सब प्रोडक्ट को सर्च करना है. मैं अभी फिलहाल आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ.
ये हमारे पास ये प्रोडक्ट है, बट मेक श्योर वन थिंग कि किसी भी, ये बेसिकली हमारे पास वेस्ट बिन है, और वेस्ट बास्केट और वेस्ट बिन, आपने क्या करना है, इसका मेन कीवर्ड टाइप करके आपने होल नीश को ड्रिल डाउन करना है, और उसमें सब ये जो प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज हैं वो आपने रन करने हैं। कभी भी किसी एक प्रोडक्ट को देख के हम अपना विनिंग प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकते। तो अगर मैं सम अप करूँ तो प्रोडक्ट हंटिंग के कुछ बड़ी बेसिक से क्राइटेरियाज हैं कि ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है जिसमें हमारे पास हाई डिमांड हो और लेस कॉम्पिटिशन हो, कोशिश ये करनी कि साइज वेरिएशन जितनी कम हो, जिस तरह के मैंने एक एडवांस फिल्टर भी अप्लाई किया है। फिर हमें ये कोशिश करनी है कि वो प्रोडक्ट हमारा सीजनल ना हो, लेट्स सपोज कोई स्वेटर्स हैं या इस तरह का कोई अपेरल है, बिकॉज आप अपनी ऑडियंस को लिमिट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग दम द सीजन प्रोडक्ट, और उसके बाद कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट ना हो कि जिसका ट्रेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहे फिर खत्म हो जाए। सो उसके बाद कोई ब्रांड डोमिनेशन ना हो, कोई इस तरह का एक स्पेसिफिक ब्रांड ना हो जो मैक्सिमम चंक ऑफ सेल्स लेके जा रहे हैं, तो उस मार्केट में पेनिट्रेट करना आपको मुश्किल हो जाता है, फिर अमेजोन एज अ सेलर खुद वो सेल ना कर रहा हो। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कीवर्ड के ऊपर। अगर कीवर्ड के थ्रू हम लोग आए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये, जब आप कीवर्ड पे आएंगे यहाँ पर तो कीवर्ड मॉड्यूल पे, तो यहाँ इस तरह के आपके पास फिल्टर शो होंगे। बेसिकली इसमें क्या है कि उसमें हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट कर रहे थे, यहाँ पर हमें कीवर्ड एक पता लगेगा उसके, वो हम फिर फ्रंट एंड पे डाल के वहाँ से हम लोग प्रोडक्ट्स हंट करेंगे। सो कीवर्ड पे आए तो सबसे पहले वो आपसे सर्च वॉल्यूम मांग रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि सर्च वॉल्यूम ना बहुत कम हो उस प्रोडक्ट का और ना बहुत ज़्यादा हो। अगर सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो लाजमी बात है कस्टमर ऑडियंस की रीच ज़्यादा होगी, लेकिन ये कि उस सर्च उस कीवर्ड के ऊपर कॉम्पिटिशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो हमने एक सर्च वॉल्यूम मिडिल रेंज का रखने हैं, दैट इज 5,000 से 25,000 के दरमियान के जो कीवर्ड्स, ताकि वो हमें शो करें। मंथली रेवेन्यू को फिलहाल हम छोड़ देंगे। प्राइस की बात करें तो वही 18 to 50 हम एक ऑप्टिमल रेंज रखते हैं, और रिव्यू काउंट 300 विद रिव्यूज एंड रेटिंग ऑफ मैक्सिमम 3। वर्ड काउंट छोड़ दें, अगर आप करना चाह रहे हैं कि एक कोई हमें मुझे ऐसा कीवर्ड मिलेगा जिसका रिव्यू काउंट इतना हो लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, तो यू कैन जस्ट पुट द नंबर्स हियर। यहाँ पर हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोगों के पास ये कीवर्ड शो होंगे, और उस कीवर्ड का बताया हुआ है कि वो कीवर्ड कौन सी इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उसका फुलफिलमेंट मेथड क्या है, वेरिएशन कितनी है, साइज टियर क्या है। यहाँ पर बता रहा है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, और ये जिस प्रोडक्ट को रेफर कर रहा है ऑन एवरेज उसकी प्राइस कितनी है। और तो यहाँ पर हम लोग व्यू ऑन अमेजोन करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास एक कैटेगरी ये देखने शो हुई है, सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल मैजिकल मेटल विंड मिल। तो इसके ऊपर आप फिर मजीद प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरियाज और अपनी फिजिबिलिटी देख के अपनी प्रोडक्ट आप इस तरह भी हंट कर सकते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट अब मॉड्यूल की बात करूँ तो दैट इज ट्रेंडस्टर। ट्रेंडस्टर में बेसिकली आपने करना क्या है कि यहाँ पर एसेंस पुटअप करने हैं जिनका आप ट्रेंड चेक करना चाह रहे हैं अपने कंपेटिटर्स के। अगर कोई प्रोडक्ट लेट सपोज आपने हंट किया और उसके कंपेटिटर का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, उनके ट्रेंड्स देखना चाह रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दिस इज अ रियली गुड टूल जिसमें आप एसेंस डाल सकते हैं और अक्रॉस द कीवर्ड्स उनका ट्रेंड भी नोट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट लेट सपोज पिज़्ज़ा पील, और इससे रिलेटेड मेरे पास यहाँ पर ये डिफरेंट प्रोडक्ट शो अप हो रही हैं। तो वॉट आई डू इज आई एल पुट देयर एसेंस इन दीज स्पेसिस, और इस तरह से कोई भी प्रोडक्ट जो आपने हंट की है उसके कंपेटर जो अच्छे परफॉर्मिंग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लेसन आपने यहाँ पुट करने, और यहाँ पर आप कोई भी चार कीवर्ड्स डाल सकते हैं। सो यहाँ से आपने क्लिक करना है स्टार्ट ट्रेंडस्टर, और यहाँ पर आपको बेसिकली ट्रेंड शो अप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार एसेंस हम लोगों ने यहाँ पर डाले थे उनसे रेलिवेंट ट्रेंड्स हमें ये शो करेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 24 आवर का ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, पास 7 डेज का, 30 डेज का, 3 मंथ्स का, या जब से ये लिस्टिंग लगी है, अगर ऑल टाइम का फिल्टर लगाते हैं तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा ये लिस्टिंग तकरीबन जून 21 को लिस्ट हुई है, और यहाँ तक अब इसका ये फर्स्ट पेज पर रैंक करनी है तो ही मस्ट बी डूइंग समथिंग गुड जिसकी वजह से ये इतना ऊपर रैंक कर रही है। सो अगर आपने पास 90 डेज का ट्रेंड देखना है तो ये आप देख सकते हैं 30 डेज का है, कि ये या जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं बेसिकली ये इसकी प्राइस फ्लक्चुएशन है, कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी प्राइस को कितना चेंज किया, और यहाँ से आपको एक प्राइस का अंदाज़ा हो सकता है कि इस मार्केट में आप कितनी प्राइस लगाएंगे तो आपको क्या कंपटीशन ऑफर होगा। नेक्स्ट जो ये आपके पास पर्पल में शो हो रहा है बेसिकली सेल्स रैंक है, बी एस आर,
और ये ओवर द टाइम ये कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये यहाँ से ट्रेंड्स पता लग सकते हैं। सो ये यहाँ पर आप सारे अपने कंपेटिटर्स के ट्रेंड्स देख सकते हैं और इन डाटा को एनालाइज करके आप एक कंक्लूजन पहुँच सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने हंट की है, इज़ इट फिजिबल टू सेल और नॉट। और उसके बाद जो हम लोगों ने कीवर्ड्स यहाँ पर डाले हैं उनका बेसिकली यहाँ पर गूगल ट्रेंड आपको पता लग रहा है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम फॉर द पास्ट 30 डेज। जैसे यहाँ पर पिज़्ज़ा पील का नेक्स्ट लार्ज पिज़्ज़ा पील एंड थर्ड वन इज़ वुडन पिज़्ज़ा पील एंड फोर्थ वन इज़ मैं पिज़्ज़ा स्पैचुला। सो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हम लोग मूव करेंगे, दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च। सो कीवर्ड रिसर्च में हमारे पास जो पहला मॉड्यूल है दैट इज़ सेरेब्रो। तो सेरिब्रो एक रिवर्स एसन लुकअप है जिसमें हम लोग कंपेटिटर्स के एसन यहाँ पर डाल के उनके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ से कोई जो भी आपने आपके कंपेटिटर्स हैं उनके हमने एसन उठाने हैं और यहाँ पर वन बाय वन डालने हैं। तो ये अप टू मैक्सिमम 10 एसन आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और आई जस्ट क्लिक ऑन गेट कीवर्ड्स, तो यहाँ पर इन कंपेटिटर्स के कीवर्ड शो अप हो जाएंगे। यहाँ से गेट कंपेटिटर्स अगर हम करते हैं तो इन एसन से रेलिवेंट जो और भी पोटेंशियल हमारे लिस्टिंग्स होंगी वो शो अप हो जाएंगी, और आप उनकी भी एसन्स को रिवर्स एसन में डाल के वहाँ से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करके अपनी ऑप्टिमाइजेशन और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हम लोगों ने एसेंस यहाँ पर डाले हैं उससे रेलिवेंट हमें डाटा यहाँ पर शो हो गया। सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि जिस मार्केट प्लेस में आप सेल करें वो आपकी यहाँ मार्केट प्लेस सेल हुई सेलेक्ट हुई भी हो। नेक्स्ट आप ये सारा डाटा एक्सेल में भी या CSV फाइल में एक्सपोर्ट करके वहाँ पर भी ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी इनको फिल्टर आउट कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। सो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये जो एसेंस हम लोगों ने रिवर्स सेरेब्रो मॉड्यूल में डाले हैं वो दो उनका डाटा यहाँ पर शो हो रहा है, और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन के इनके ये टोटल कितने कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स हुए हैं। तो टोटल कीवर्ड्स तकरीबन 3961 है, जिसमें से ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इतने हैं, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड इतने हैं और अमेजोन रिकमेंडेड इतने हैं। और यहाँ से इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपको शो हो रही हैं। सो यहाँ बंडलिंग के आपको अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड फ्रिक्वेंसी आ रही है कि इन दो कंपेटिटर्स की लिस्टिंग में आया इनके कॉन्टेंट में या टाइटल में या कमेंट्स में जहाँ पर भी जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो यहाँ पर हमारे पास शो हो रही है। सो यहाँ पर आपको बैकएंड सर्च इन कीवर्ड्स के लिए यहाँ से आइडिया मिल सकता है। यहाँ पर भी हम इन चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हैं और अपने रिसर्च को नैरो डाउन कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं इसको एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करके वहाँ से फिल्टर करके इन इस सब डाटा को सॉर्टिंग करता हूँ। सो यहाँ से देखें, ये लेट सपोज आपके पास फ्रेज शो हो रहे हैं जो इन कीवर्ड्स ये जो कंपेटिटर्स हैं ये जिन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स हुए हैं वो सारे कीवर्ड्स हमें यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गए हैं। अब लेट सपोज यहाँ से अगर मैं सर्च वॉल्यूम का फिल्टर इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में शो अप हो गए हैं कि जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसका ये ज़रूरी ये मतलब नहीं कि जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वो हम अपनी लिस्टिंग में यूज़ करें, बिकॉज यहाँ पर बहुत इरेलीवेंट कीवर्ड्स भी हैं। सो मेक श्योर करना है आपको कि लेट्स सपोज ये आपका एक रेलिवेंट कीवर्ड है पिज़्ज़ा पील। सो यहाँ मेक श्योर करना है कि जिसका सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जिसकी रेलिवेंसी भी हो वो कीवर्ड्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। सो सेरेब्रो मॉड्यूल इस तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ मैग्नेट। सेरेब्रो मॉड्यूल में हम लोग कंपेटिटर्स के एसन को उठाते हैं और रिवर्स एसन टेक्निक लगा के जिन कीवर्ड्स के ऊपर हमारे कंपेटिटर्स इंडेक्स हुए होते हैं वो कीवर्ड्स हम अट्रैक करते हैं। अनलाइक इन मैग्नेट, मैग्नेट में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेन सीड कीवर्ड होता है, लेट सपोज अगर इस प्रोडक्ट के केस में पिज़्ज़ा पील है, सो अब जब मैं इसके कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करूंगा तो इस पिज़्ज़ा पील कीवर्ड से रिलेटेड जो भी मेरे रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे वो मुझे शो अप होना शुरू हो जाएंगे। सो ये मैंने यहाँ पर सीड कीवर्ड पुट किया दैट इज़ पिज़्ज़ा पील और वहाँ से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए। तो अब यहाँ पर हमारे दिखा रहे हैं कि पिज़्ज़ा पील का सर्च वॉल्यूम कितना है और यहाँ से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है कि इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स वगैरह कितने हैं। सो
यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी सब हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है एसरेब्रो, और यहाँ पर भी हम लोग इसको अगर सॉर्टिंग कर लें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर हमें जो सबसे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो ये देखें, इससे रेलिवेंट हमें ये पिज़्ज़ा पील से कीवर्ड्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो यहाँ पर भी आप लोगों ने एक्सेल फाइल में या जिस तरह भी इसको सॉर्ट आउट करके अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने हैं। सो ये सब कीवर्ड्स अमेजोन जो कस्टमर की सर्च टर्म्स होती हैं उनकी बेस पे हमें यहाँ पर ये शो करवा रहा होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है दैट इज़ मिस स्पेलिनेटर। सो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसकी अब इतनी प्रैक्टिकलिटी नहीं है बिकॉज अमेजोन का इन एल्गोरिथम थोड़ा इवॉल्व हो गया है, वो ऑटोमेटिकली जो आपकी मिस स्पेलिंग्स होती हैं इनको डिटेक्ट कर लेता है। सो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूँ दैट इज़ योगा मैट। सो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी आपका कीवर्ड है मेन वो यहाँ टाइप कर रहे हैं, ये जिसकी भी अक्रॉस आप मिस स्पेलिंग्स देखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर रखेंगे ये कीवर्ड और यहाँ से इसको प्रिपेयर करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग कीवर्ड्स को शो कर रहा है, यहाँ से आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और यहाँ से करनी है आपने फाइंड मिस स्पेलिंग्स। सो ये जो मिस स्पेलिंग्स हैं ये बेसिकली अमेजोन के एल्गोरिदम में इस तरह आती हैं, ये आपकी डिपेंडिंग अपॉन द डेमोग्राफिक्स या एथनिसिटी, जब डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग उस कीवर्ड को सर्च करते हैं। लेट्स सपोज अगर .com पे मार्केट पे कोई यूएसए का बंदा सॉरी यूके का इंडिविजुअल सर्च करेगा या यूरोप से कोई बंदा सर्च करेगा तो मे बी वहाँ की स्पेलिंग्स में फ़र्क होता हो, तो वहाँ से अमेजोन के एल्गोरिदम में यहाँ ये मिस स्पेलिंग्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये एक हीलियम का मिस स्पेलिनेटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप इससे रिलेटेड जो सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो आप देख सकते हैं। सो ये देखें, हमने योगा मैट जो डाला था उससे रिलेटेड हमारे पास ओरिजिनल कीवर्ड हमारे पास योगा था और मैट था। सो योगा से रिलेटेड ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस बने हैं जिनमें से अमेजोन ऑटो करेक्ट कर देता है खुद ही, जिनकी पॉपुलैरिटी आपके पास तकरीबन 5% से ज़्यादा होती है। सो जिनको वो नहीं करेक्ट करा वो भी आपने उन्होंने और उन कीवर्ड्स का बता दिया। इसी तरह अगर मैट की हम बात करें तो जिनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है उनको अमेजोन खुद ही ऑटो करेक्ट कर देता है। तो ये अगर आप सॉफ्टवेयर या टूल ना भी यूज़ करें तो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हो सकती है। नेक्स्ट जो मेरे पास टूल है दैट इज़ लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल है फ्रैंकनस्टाइन का। सो फ्रैंकनस्टाइन का जो मॉड्यूल है, अब हमारे पास सबसे पहले हमने प्रोडक्ट जो हीलियम का सॉफ्टवेयर है बेसिकली उसके तीन मेन पर्पस हैं, दैट इज प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एंड कीवर्ड रिसर्च। सो प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको बता दिया। नाउ आई हैव ट्रांजिशन ओवर टू द लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जिसमें हमारे पास पहला मॉड्यूल है कीवर्ड प्रोसेसर। टू बी स्पेसिफिक ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में तो नहीं है लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, जो हमने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। जिस तरह अब यहाँ पर मेरे पास ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर मैं इनको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, लेकिन जब सेम कीवर्ड्स को मैं यहाँ पर करता हूँ और इनको मैं प्रोसेस कर इन पर डिफरेंट कंडीशंस लगाता हूँ कि मुझे अगर यहाँ से इनके इनमें जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो रिमूव करने हैं या आया मैंने फ्रेजेस को मेंटेन करना है या सिंगल वर्ड्स रिमूव करने हैं या कॉमास ऐड करने हैं या रिमूव करने हैं, इसी तरह अगर यहाँ पर कोई एसन है मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से सिंपली मैं कीवर्ड्स की लिस्ट डालूंगा, यहाँ से अपने ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और ये देखें अब ये इतने 1054 कैरेक्टर्स दे आर नाउ रिड्यूस डाउन टू ओनली 243 कैरेक्टर्स विद नो रिपीटेशन। सो जो आपके बैकएंड सिस्टम कीवर्ड्स होते हैं आपको पता होगा उनकी भी कंडीशन होती है कि उसमें हमारे पास रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तो बजाय इसके कि हम मैनुअली शो करते हैं ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप रिपीटेशन को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग जिनका ब्रांड रजिस्टर होता है और उनका EBC फ्रंट एंड पे शो हो रहा होता है तो डिस्क्रिप्शन नहीं शो हो रही होती, तो बजाय आप डिस्क्रिप्शन की, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, फ्री टिप मेरे से समझ लें कि उसमें आप लोग क्या करते हैं कि जो आपके हाई सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स होते हैं उनके फ्रेज मेंटेन करके उसको बैकएंड पर यूज़ कर लेते हैं बजाय इसके कि आप कन्वेंशनल जिस तरह डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो लिखें, और उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ से मेंटेन फ्रेजेस करने हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स नहीं करने और ऐड कॉमास विद स्पेस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं और उनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ से वो सॉर्ट आउट करके आपको शो अप करा देता है, तो सिंपली आपने यहाँ से ये चंक ऑफ कीवर्ड उठाना है और अपनी डिस्क्रिप्शन के बैकएंड पर डाल देना है। सो यहाँ ये था फ्रैंकनस्टाइन कीवर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है दैट इज स्क्रिबल, ये बेसिकली लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है जिसमें आपको बताता हूँ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो यहाँ पर मेरी कोई भी मैंने ये हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन ली और यहाँ पर एक पिज़्ज़ा पील की मेरे पास एक ऑप्टिमाइजेशन है, तो मैं यहाँ पर स्क्रिबल्स के मॉड्यूल में जाऊँगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रिपल के मॉड्यूल में आया, और यहाँ पर टाइटल, बुलेट पॉइंट, सब्जेक्ट मैटर्स और सेशन और डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब मैंने कैसे मेक श्योर करना है कि मैंने जो लिस्टिंग कॉपी जनरेट की है और मैंने जो कीवर्ड एक्सट्रैक्ट की है वो उस लिस्टिंग कॉपी में एम्बेड हो गए हैं। तो बेसिकली ये टूल आपको बताएगा कि वाकई वो कीवर्ड आपकी लिस्टिंग में इंडेक्स हुए भी हैं कि नहीं। तो आपने करना क्या है कि अपनी जो भी लिस्टिंग कॉपी आपने जनरेट की है उसको यहाँ से पिक करना है और यहाँ पर वन बाय वन पेस्ट करते जाना है। यहाँ पर मेरे पास आगे सर्च टर्म्स, इसी तरह अगर मैं बुलेट पॉइंट्स की बात करूँ, ये सब चीज़ें जो मेरी फॉलोअप वीडियो एक आएगी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की, उसमें मैं इन डिटेल इस प्रोसेस को बताऊँगा आप लोगों को। ये देखें, जैसा मैं कह रहा था, डिस्क्रिप्शन ये जिसके लिए बनाई गई है उसका ईवीसी लगा हुआ था, तो आपने डिस्क्रिप्शन में सिंपली हाई सर्च वॉल्यूम की कीवर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देने हैं। सो इट्स अ गुड टेक्निक टू गेट इंडेक्स ऑन लार्जर पूल ऑफ कीवर्ड्स। यहाँ पर अब आपने देखें जो लिस्टिंग कॉपी की थी वो यहाँ पर आपने सारी पेस्ट कर दी, और नेक्स्ट जब आपने कीवर्ड्स जो एक्सट्रैक्ट किए हैं उनको यहाँ पर पुट करना है और मेक श्योर करना है कि ये कीवर्ड्स वाकई आपकी लिस्टिंग में एम्बेड हुए भी हैं कि नहीं। यहाँ पर लेट सपोज मैंने किया ऐड फ्रेजेस, और यहाँ पर बाकी जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, जितने भी आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं आप समझते हैं, उसको आप उठा के यहाँ स्क्रिबल्स के मॉड्यूल में डालें और चेक करें कि वाकई आपकी लिस्टिंग के अंदर ये एम्बेड हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ से मैं करूँगा इसको प्रोसेस। जब मैं इसको प्रोसेस करता हूँ तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ जाती हैं। बेसिकली हीलियम एक बहुत ही इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, वो इनको इस इन जितने कीवर्ड में जितने वर्ड्स थे उसको इसने सेपरेटली भी चेक कर लिया और विथ फ्रेजेस भी चेक कर लिया कि कितने फ्रेजेस और कितने कीवर्ड इसके अंदर इंडेक्स हुए हैं कि नहीं। अब जो कीवर्ड जितने टाइम्स इस लिस्टिंग के अंदर रिपीट हो रहा है उसकी अमाउंट भी शो कर रहा है, और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई कीवर्ड ऐसा है, लेट सपोज ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर एक क्रॉस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपकी लिस्टिंग के अंदर इंडेक्स नहीं हुए हुए। तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं हार्ड यूज फ्रेजेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो कीवर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं जो आपकी लिस्टिंग में यूज़ नहीं हुए हुए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि कोई अगर ऐसा कीवर्ड है या फ्रेज अलर्ट्स को पिज़्ज़ा पील है, तो देखिए 9 टाइम्स या 20 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो आपने सिंपली यहाँ से इसको रिमूव करके वो वाले कॉम्बिनेशन ट्राई करने हैं जो कि आपके इस लिस्टिंग के अंदर यूज़ नहीं हुए हुए। तो इस तरह आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कीवर्ड्स पर इंडेक्स होंगे विद ग्रेटर चांस ऑफ कन्वर्जन एंड बेटर प्रॉफिट मार्जिन। सो ये आपके पास एक सिबल्स ये मॉड्यूल है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर। जो नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स चेकर। इंडेक्स चेकर का जो मॉड्यूल है ये बेसिकली आपकी लिस्टिंग लाइव होने के बाद ये यूज़ होता है कि आपने लेट्स सपोज लिस्टिंग बनाई, उसमें कीवर्ड्स इंडेक्स किए और लिस्टिंग आपकी लाइव होगी। अब आपने मेक श्योर करना है कि वाकई आपकी लिस्टिंग उन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स है भी कि नहीं। एट टाइम ऐसा होता है कि आपकी लिस्टिंग आपने रेलिवेंट कीवर्ड्स सब ऐड किए होते हैं लेकिन स्टिल आपकी लिस्टिंग डी इंडेक्स होती है और आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन सेल्स होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि आपको बताता है कि वाकई आपकी लिस्टिंग इन कीवर्ड्स के ऊपर इंडेक्स है कि नहीं। सो इसमें 3 तरह के इंडेक्सेस हैं, दैट इज ट्रेडिशनल इंडेक्स, फील्ड इंडेक्स और स्टोर फ्रंट इंडेक्स, और जो इनका कॉम्युलेटिव सम है उसको हम कॉम्युलेटिव का नाम दे देते हैं। सो आपने करना किस तरह है, सबसे पहले आपने जो भी लिस्टिंग है, लेट सपोज अगर मेरी ये लिस्टिंग है, इसको मैं यहाँ से इसका मैं एसन यहाँ पर टाइप करता हूँ और चेक करना चाह रहा हूँ कि ये किन कीवर्ड्स पे इंडेक्स है कि नहीं। सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा पिज़्ज़ा पील एंड पिज़्ज़ा, रिमूव डुप्लीकेट्स नहीं करने, सो यहाँ मैं करूँगा चेक कीवर्ड्स। सो यहाँ पर देखें कि अभी हमें इस कंपेटिटर के इन कीवर्ड्स के अक्रॉस रिजल्ट्स हमें शो हुए हैं, ट्रेडिशनल इंडेक्स, फील्ड इंडेक्स और स्टोर फ्रंट इंडेक्स के। अब ये होते क्या हैं? ट्रेडिशनल इंडेक्स का मतलब ये कि जब कोई भी कस्टमर आपका ये पिज़्ज़ा पील है ये अमेजोन की सर्च बार में यहाँ पर डालेगा और सर्च करेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आपका आपके जो प्रोडक्ट है ये इस कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रेडिशनल इंडेक्स है। फील्ड इंडेक्स क्या होता है? फील्ड इंडेक्स आपके पास ये है कि आपका जो एसन है, अब इसमें 2 तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर अमेजोन की सर्च बार में जाना है और एसन यहाँ डालना है। अगर एसन डालें और सर्च करें और आपकी प्रोडक्ट शो हो जाए तो दैट मीन्स कि ये आपका जो प्रोडक्ट है ये फील्ड एसन इंडेक्स की है। इसका एक और तरीका ये भी है कि आप यहाँ पर स्पेस दे के जो भी आप कीवर्ड है इसके अक्रॉस आप चेक करना चाह रहे हैं कि इंडेक्स है कि नहीं, वो कीवर्ड टाइप करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट शो हो रहा है। दैट मीन्स कि ये वाकई आपका एसन जो है वो फील्ड एसन इंडेक्स है। तो यही हीलियम भी हमारे पास शो कर रहा है कि ये वाकई फील्ड एसन इंडेक्स इस पर हुई हुई है इंडेक्सिंग। नेक्स्ट आपके पास है स्टोर फ्रंट इंडेक्स। स्टोर फ्रंट इंडेक्स के आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी लिस्टिंग है और आपका जो स्टोर नेम है वहाँ पर आप जाएंगे फ्रंट एंड पे, यहाँ पर अमेजोन सर्च बार में आपकी एक सेलर आईडी आ रही होगी। सो ये आपकी सेलर आईडी आ रही है, ये करंट एंड सेलर के बाद जो लिखा हुआ है ये आपने यहाँ से उठानी है
और ये सेलर आईडी में पुट करनी है, और अगेन आप लोगों ने यहाँ से चेक कीवर्ड्स करने हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि ये जो अब तीनों जो इंडेक्सेस थे वो आपके इस कीवर्ड के अगेंस्ट, इन दोनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट हुए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर लिस्टिंग। सो अब आपका जो कॉम्युलेटिव सम है वो तीनों के लिए ग्रीन टिक मार्क शो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये तीनों इंडेक्स हुए हैं, तीन चेक मार्क्स हैं। स्टोर फ्रंट इंडेक्स बेसिकली कब होता है आपका एसन? जब आपकी सेल्स थ्रू थ्रू योर स्टोर आती हैं, कि आपने स्पॉन्सर्ड हेडलाइंस लगाई हुई हैं अपनी, और वहाँ से आपके स्टोर फ्रंट में आके कोई अगर कस्टमर परचेस करता है तो वहाँ से आपका ये प्रोडक्ट जो है ये स्टोर फ्रंट इंडेक्स होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मॉड्यूल है दैट इज़ ए लिस्टिंग एनालाइजर। अब लिस्टिंग एनालाइजर एक टूल है कि जो आपको बताता है कि आपकी जो लिस्टिंग की क्वालिटी है वो कैसी है और आपकी लिस्टिंग कैसे परफॉर्म कर रही है। सो आपने क्या करना है, अपनी लिस्टिंग का यूआरएल यहाँ से उठाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है मार्केट, मेक श्योर टू सिलेक्ट द रेलेवेंट मार्केट, और यहाँ से आपने फिर करना है एनालाइज। ये आपको अपनी लिस्टिंग के बारे में जो डीप इंसाइट्स और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो करके देगा कि आपकी लिस्टिंग में इस टाइम क्या कमियाँ हैं। और ये देखें आप, इस टूल ने हमें एक बेसिकली स्कोर दे दिया, लिस्टिंग स्कोर दैट इज 8.2। अब इसने परफेक्ट स्कोर क्यों नहीं दिया, अब हम वो रीजंस देखते हैं। सबसे पहले अगर लिस्टिंग कॉपी का ब्रेकडाउन करें तो उसने बताया हुआ कि टाइटल डज नॉट कंटेन सिंबल्स और इमोजीज। सो ये आई थिंक इस लिस्टिंग ने ये कुछ ऐसे सिंबल्स यूज़ किए हुए हैं जिसकी वजह से वो कह रहा है कि ये इनको हटाएं, ये कस्टमर रीडेबिलिटी के लिए इशू होता है। सो इमोजीज एंड सिंपल कैन हैम्पर द रीडेबिलिटी, सो दैट्स वाई उसने यहाँ पर एक क्रॉस शो किया जिसकी वजह से ये लिस्टिंग स्कोर कम हो गया। फिर टाइटल कंटेन 150 करेक्टर्स, और ये हैं जी 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, 150 करेक्टर्स इन ईच बुलेट पॉइंट, फर्स्ट लेटर ऑफ बुलेट पॉइंट कैपिटलाइज है, और बुलेट पॉइंट आर नॉट इन ऑल कैप्स। अमेजोन ये रिकमेंड करता है कि आपकी जो लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स हैं उनको आप लोगों ने ऑल कैप्स में नहीं लिखना है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ क्रॉस शो कर रहे हैं। और 1000+ करेक्टर्स इन डिस्क्रिप्शन और 8+ कंटेंट, तो वहाँ पर हमारे पास टिक मार्क है। अगर ये लिस्टिंग कॉपी थी, नेक्स्ट हमारे पास आता है मीडिया का ब्रेकडाउन करें, तो यहाँ पर 1000 by 1000 की इमेजेस हैं, मतलब जूम इन हो सकती हैं आपकी पिक्चर्स, और मेन इमेज का आपका वाइट बैकग्राउंड है। 7+ इमेजेस हैं, इसके अंदर वीडियो इंक्लूडेड नहीं थी इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस शो कर रहा है। और रिव्यूज़ ब्रेकडाउन के अगर बारे में बात करें तो 20+ रिव्यूज़ हैं एंड 4+ एवरेज रेटिंग इसकी है। सो ये आप कह सकते हैं कि एक एक्सटेंशन है जो अमेजोन का लिस्टिंग हेल्थ स्कोर होता है, जो वैल्यूएशन रिजल्ट है उसी का ये डिफरेंट एक वेरियंट है। उसके बाद मार्केट एनालिसिस भी ये बताता है कि आपकी लिस्टिंग कहाँ पर इस वक्त स्टैंड कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल, रेवेन्यू, प्राइस, BSR एंड रिव्यूज रेटिंग। और ये आपको इन डिटेल ये भी बता देता है कि आपकी इस प्रोडक्ट के ऊपर जो कीवर्ड्स है उसकी ये स्टैंडिंग ऑर्गेनिक कहाँ पर ये अभी फिलहाल स्टैंड कर रहा है। सो दिस इज हाउ लिस्टिंग एनालाइजर वर्क। उसके बाद आपके पास आ जाती है ऑडियंस, मार्केट फीडबैक। अच्छा, सो ये आपके पास, आपने अक्सर एक नाम सुना होगा स्प्लिट टेस्टिंग के नाम से। स्प्लिट टेस्टिंग में ये होता है कि आप आपको भी अपनी न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं उसमें आप डिफरेंट सेट ऑफ लिस्टिंग कॉपी या कह रहे हैं इमेजेस ट्राई करते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर इमेज या वो कौन सी लिस्टिंग कॉपी आपके लिए टाइटल वर्क करता है जिस पे आपको सेल ज़्यादा आती हैं। सो अच्छी टेक्निक है ये, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि आप अपनी सेल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं फॉर 4 to 6 वीक्स। लेट्स सपोज आपकी 3 मेन इमेजेस हैं और आपने ट्राई करना है कि कौन सी इमेज आपकी अच्छा वर्क करती है, तो आप 2-2 हफ्ते हर इमेज को देंगे टू चेक योर कन्वर्जन्स। सो उसमें क्या है कि आप बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी सेल्स के ऊपर। सो मे बी आपकी लिस्टिंग के स्टार्ट में जो हनीमून पीरियड होता है वो इसमें आपका एक वेस्ट हो जाए। सो आपके पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए से आप पोल कंडक्ट करवा के मार्केट ऑडियंस ले ऑडियंस का फीडबैक ले सकते हैं। तो हिलियम आपको एक टूल प्रोवाइड करता है दैट इज़ ऑडियंस या मार्केट फीडबैक, जिसके जरिए से आप पोल क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिकली ये पेड है। आपकी नंबर ऑफ ऑडियंस जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतने ज़्यादा आपको हिलियम को पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये एक अच्छा टूल है। अगर आप न्यूज़ लॉन्च कर रहे हैं तो आप इससे फीडबैक लेके अपनी कन्वर्जन्स को अच्छा कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास ये पूल है यूज़ पोल बिल्डर, ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये अपनी जो टेस्ट करना चाह रहे हैं, बेसिकली डिफरेंट आप चीज़ें इसमें टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं। फीचर्स टेस्ट कर सकते हैं, मेन इमेज टेस्ट कर सकते हैं, लोगो टेस्ट कर सकते हैं, वीडियो का म्यूजिक टेस्ट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो जो भी आपने टेस्ट करना है, फॉर नाउ लेट सपोज मैं कहता हूँ मैंने मेन इमेजेस पर टेस्ट करनी है। सो मेन इमेज में टेस्ट करूँगा, और यहाँ पर वो कह रहा है कि आप लेट सपोज अपना कोई क्वेश्चन बताएं। आप यह चीज़ आप लोगों ने मेक श्योर करनी है ऑडियंस का पोल जनरेट करना है जिस टाइम कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही रेलिवेंट हो, क्योंकि जितना रेलिवेंट आपका क्वेश्चन होगा उतनी ऑनेस्ट आपको फीडबैक भी मिलेगा। लेट सपोज यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इफ यू वर
सर्चिंग पिज्जा की विच ऑफ बीज थंबनेल्स मेक यू मोस्ट टू क्लिक ऑन एमेजॉन लिस्टिंग। सो ये आपने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, आपने अब यहाँ चल जाना नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और दैट इज टू ऐड योर ऑप्शंस। बेसिकली यहाँ पर हमसे ये मांग रहा है कि जो भी हमने मेन इमेज के बारे में कोड कंडक्ट करवाया वो इमेजेस हम यहाँ पर ऐड करें। लेट सपोज हम लोग यहाँ पर कोई भी इमेजेस ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड कर दी, और जितने भी आपके पास डिफरेंट सजेशंस हैं इमेजेस को ऐड करने के, आप दो से ज़्यादा इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ वी हैव ऑप्शंस अप टू एट, मैक्सिमम 8 एंट्रीज। सो यहाँ पर अपनी आप इमेजेस ऐड करेंगे, और इमेजेस ऐड करके इसी तरह यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, जितनी भी आपने इमेजेस ऐड करनी है। सो उसके बाद यहाँ हमसे वो पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। सो जनरल ऑडियंस, फर्स्ट अवेलेबल रिस्पॉन्डेंट्स, या कस्टम ऑडियंस। यहाँ पर अपने कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी शो अप हो रही हैं कि आप ये जो प्रोडक्ट हैं आप ये किस ऑडियंस को शो कराना चाहते हैं, मैन को, वुमेन को, डॉग ओनर्स को। सो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अमेजोन प्राइम मेंबर्स, जो कि फ्रीक्वेंट बायर्स होते हैं। यहाँ पर और बहुत ज़्यादा फिल्टर्स हैं एज के, कि आप किसी पर्टिकुलर एज को दिखाना चाह रहे हैं ये अपने ऐड या पोल, या इसी तरह उनके बिहेवियर्स वगैरह यहाँ पर डिफाइन हुए हैं। तो ये काफ़ी इन डिटेल इन्होंने फिल्टर्स बनाए हुए हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने अमेजोन प्राइम मेंबर्स को किया सिलेक्ट, और यहाँ से आप चले गए नेक्स्ट स्टेप पे। सो चूज़ योर साइज, ऑडियंस साइज, ये आप जो भी यहाँ पर साइज सिलेक्ट करेंगे, सो बेस्ड अपॉन दोज नंबर्स आपको हेलियम ये चार्ज करेगा। सो आई थिंक फॉर फॉर द पोल 50 मेंबर्स इनफ होते हैं। सो यहाँ पर मैंने 50 सिलेक्ट किया हुआ है। सो यहाँ से आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो यहाँ पर वो देखें, आप काफ़ी इन डिटेल पूछा है कि आप ऐसे कोई पर्सनल ट्रेट्स भी हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कि जेंडर आइडेंटिटी, एज रेंज क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, वो कहाँ से बिलोंग करें, इनकम रेंज, एजुकेशन लेवल, ये जो यहाँ पर फ्री हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिंपली। और ये देखिए चूज 40 अब ऑप्शन आपके पास हैं। सो यहाँ पर आपने जाना है नेक्स्ट पे। तो ये आप लोगों ने टारगेटिंग की है, जिसमें अमेजोन प्राइम मेंबर्स हैं, ऑडियंस आपकी जो रेंज है वो आपको 50 नंबर है, आपको मैक्सिमम 50 है, क्वेश्चन आ गया, और नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन आ गई जो हमने इमेज ऐड की थी। यहाँ पर आप मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो। सो आपका जो पे स्ट्रक्चर बना है वो अराउंड $60 है। तो यहाँ से आप प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, तो यहाँ से आपका ये पोल फाइनलाइज हो जाएगा, और इसके रिजल्ट्स आपको ईमेल पे शो हो जाएंगे आपके, या फिर यहीं पर आके आपको आपके रिजल्ट्स यहाँ पर शो अप होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है, सो वी आर डन विद द लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे मूव ऑन करेंगे, जो कि है ऑपरेशंस। सो दिस वन इज अल्टा बाय हीलियम 10, ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है। अल्टा बाय हीलियम 10 इज मॉड्यूल जो है, इसमें हम बेसिकली अपने नंबर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो भी आपके नंबर्स हैं, या जितनी आपकी जो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या डेली आपकी जो पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं, तो वो यहाँ पर आपको शो अप हो सकती हैं। काफ़ी सेलर्स हैं वो ये सॉफ्ट वो नहीं प्रेफर करते कि वो अपने जो नंबर्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर करें। सो क्योंकि ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अमेजन बैकेंड से भी आ सकती है। सो लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये आपके पास एक अहिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास जो मॉड्यूल है, दैट इज अलर्ट्स। दिस मॉड्यूल अलर्ट्स बेसिकली केटर फॉर द हाईजैकर लिस्टिंग्स एंड प्रोडक्ट मॉनिटरिंग। लेट्स सपोज आपकी, अगर कोई आपके पास ऐसा अकाउंट है जिसके जिसके ऊपर 600-700 स्क्यूज हैं, और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप मैनुअली हर लिस्टिंग को विजिट करें डेली, सो दिस टूल इज़ गोना हेल्प यू बिग टाइम। इसमें आप क्या है कि अगर यहाँ से आप ऑन कर देते हैं जिन जिन लिस्टिंग आपके अकाउंट पे जो भी लिस्टिंग्स लगी हैं, और उन पे अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर देते हैं, तो एक तो ये कि जब भी आपकी लिस्टिंग पे कोई हाईजैकर मीट अप करेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन रिसीव होगा विद स्क्रीन शॉट, और उसके अलावा आपकी प्रोडक्ट मॉनिटरिंग भी होती रहेगी कि आपकी लिस्टिंग पे जो भी हो रहा है। लेट सपोज आपको कोई रिव्यूज़ मिले हैं या कोई फीडबैक मिले हैं, तो वो यहाँ पर आपको शो अप होंगे। जो नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा ऑपरेशन स्टैप के अंदर, दैट इज इन्वेंट्री प्रोटेक्टर। कूपन अब्यूज़ प्रिवेंशन, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपके पास एक पीपीसी को गिव अवे स्ट्रेटजी होती है अपनी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, तो आप सोशल मीडिया कोड या कूपन जनरेट करते हो, और अगर आपने मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी वहाँ से नहीं सेट की, तो आप ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई आप एक बायर आपसे बल्क में लिस्टिंग उठा ले, बल्क में प्रोडक्ट्स परचेज कर ले, जैसे 20 यूनिट्स या 30 यूनिट्स फॉर रिलेटिवली लेस प्राइस,
जस्ट 1 or 2 डॉलर्स, इतने में आपसे ये काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स उठा ले तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये जो आपके पास एक मॉड्यूल है, ये इसे प्रिवेंट करने में आपको मदद करेगा कि अगर आपने मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट नहीं की। तो नेक्स्ट हमारे पास है रिफंड जीनी। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो मैं स्पेशली न्यू वीएस को रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी कोई सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशली, और आपके अकाउंट अगर आपके पास कोई आता है, तो सबसे पहली चीज़ योर क्लाइंट इज़ गोना आस्क यू इज़ टू डू अकाउंट ऑडिट। सो अकाउंट ऑडिट में हमने सबसे पहली चीज़ रीइंबर्समेंट्स उसकी चेक करनी है। ये आपके मैनुअली बैकेंड से भी हो जाता है, लेकिन दैट प्रोसेस इज़ हेक्टिक। सो आपने करना क्या है कि सिंपली अपने जो क्लाइंट है उसका अकाउंट उसके हिलिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना है, और यहाँ से एक रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। रीइंबर्समेंट बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक ऐसी इन्वेंट्री जो कि अमेजोन वेयर हाउस में लॉस है, लॉस हो गई है या डैमेज हो गई है, सो अमेजोन ओ यू दैट मनी। लेकिन ये मनी आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे। तो अक्सर सेलर्स को या अक्सर क्लाइंट्स को ये नहीं पता होता, तो आपने यहाँ सिंपली ये डाउनलोड करनी है रिपोर्ट। अब जिस तरह ये देखें, यहाँ पर ये इन्वेंट्री लॉस्ट है और रिफंडेबल आइटम्स हैं, और पोटेंशियल रिफंड हमें इतने डॉलर्स का हो सकता है। सो अगर आपके बड़े अकाउंट्स हैं तो ये थाउजेंड्स में भी ये अमाउंट जा सकती है। जिस तरह ये देखें, ये एक अच्छी पहली एक हेफ्टी अमाउंट है। सो यहाँ से आपने डाउनलोड करना है, और इस ये रिपोर्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी कि कौन कौन से एस एन या एफ एन स्क्यूज है जिनको आप क्लेम करें। सो आपने क्या करना है कि अमेजोन के बैकएंड पर जाना है, सेलर सपोर्ट से केस क्रिएट करना है, और इन एफ एन स्क्यूज को डाल के आपने रीइंबर्समेंट्स करवानी है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, दैट इज़ फॉलो अप ईमेल ऑटोमेशन टूल। सो ईमेल ऑटोमेशन टूल अलाउज यू टू आस्क फॉर द बायर फीडबैक्स ऑन अ लिस्टिंग। आपने यहाँ पर आपके जितने भी ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, जो काम हम मैनुअली करते हैं बैकएंड से जाके कस्टमर को मैसेज किया हम लोगों ने कि हमारी लिस्टिंग पे एक ऑनेस्ट रिव्यू या फीडबैक देते हैं, वो आप थ्रू दिस सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, आपको हर दफ़ा मैनुअली जाके टाइप नहीं करना पड़ेगा। सो आपने करना क्या है कि यहाँ पर ऑटोमेशन, और इसमें हमारे पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी बने हुए हैं। अगर आप अपना कोई टेम्पलेट बनाना चाह रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, तो वो भी आपके पास बन सकता है। जिस तरह आप ये देखें, ये एक ऑलरेडी बना हुआ है कि जब भी आपका ऑर्डर डिलीवर होगा उसके 7 डेज के बाद आपने सेटिंग इस तरह बनानी है कि आपको एक रिव्यू रिक्वेस्ट इस सॉफ्टवेयर की तरफ से जाएगी कस्टमर को कि वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू या फीडबैक दे दे। और आपको फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि रिफंडेड ऑर्डर्स पे नहीं जाएगी, और या जिनको डिस्काउंट हमने ऑफर किए हैं। तो इस तरह यहाँ पर आप ऑप्शंस अपने मर्जी से और ऐड भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टूल है, दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आप लोगों से जो न्यूबीज हैं या जिनको रीस्टॉकिंग या रीस्टॉकिंग करनी नहीं आती, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर उनको काफ़ी हेल्प करने वाला है कि वैसे तो आप मैनुअली भी ये काम बैकएंड से कर सकते हैं बाय सीइंग द हाई सेलिंग आइटम रिपोर्ट एंड योर प्रीवियस सेल्स हिस्ट्री। लेकिन ये कि अगर किसी को मैनुअली रीस्टॉकिंग नहीं करनी आती, तो वो यहाँ से कर सकता है। बेसिकली जिसमें आपको इन डिटेल आपको हेलियम रेकमेंड कर रहा होता है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं अकाउंट के ऊपर, वो यहाँ पर शो हो रही होंगी, और उनके डेज ऑफ सप्लाई, रिमेनिंग डेज ऑफ सप्लाई शो हो रहे होंगे। मीन्स के जितना स्टॉक रह गया और वो 31 डेज के लिए नफ है। और इसी तरह फिर आपको इवन डेट तक बता रहा है कि आप कब दोबारा रीस्टॉकिंग करें, और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आपने रीऑर्डर करने हैं। सो दिस टूल इज़ गोना हेल्प यू बिग टाइम इन योर रीस्टॉकिंग इश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास टूल है, दैट इज़ एनालिटिक्स। और इसमें हमारे पास फर्स्ट मॉड्यूल है कीवर्ड ट्रैकर। कीवर्ड ट्रैकर में यहाँ पर आके आप जो भी अपनी लिस्टिंग का लिंक है वहाँ ऐड अ न्यू प्रोडक्ट करके यहाँ यहाँ पर यूआरएल ला सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आपने कीवर्ड चेक करने हैं वो भी चेक करके यहाँ से स्टार्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं। अब मेरे पास ये कुछ लिस्टिंग ट्रैक हुई भी है, ये लिस्टिंग है, और यहाँ पर इसके अक्रॉस हमें ये कीवर्ड शो करेगा। लेट्स सपोज मैंने इन कीवर्ड्स पे इसकी रैंकिंग चेक करनी है कि ये मेरे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, इन पे इन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, और नेक्स्ट इनके नंबर ऑफ कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी हैं, और इन कीवर्ड्स के ऊपर इस लिस्टिंग का ऑर्गेनिक रैंक कितना है और स्पॉन्सर्ड रैंक कितने कितने हैं। सो ये सॉफ्टवेयर आपको हेल्प आउट करता है जब नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो आपके कंपेटिटर के अगर आपने नंबर से डाटा देखना हो, उसके एनालिटिक्स देखने हो, तो ये टूल आपको इन डिटेल उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मार्केट ट्रैकर।
मार्केट ट्रैकर आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आपने लेट सपोज किसी स्पेसिफिक मार्केट में वेंचर इन करना है, तो उसके अगर आपने स्टैट्स वगैरह देखने हैं, तो लेट सपोज यहाँ से आपने न्यू मार्केट क्रिएट करनी है, जिसमें सबसे पहले आपने नहीं सबसे पहले आपने यहाँ पर मार्केट का नेम स्पेसिफाई करना है, जिस मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं वो मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर आपने कीवर्ड्स ऐड करनी है, एंड बेस्ड अपॉन दीज कीवर्ड्स वो आपको उससे रिलेटेड कंपेटिटर्स या प्रोडक्ट शो करेगा, और यहाँ पर आपने एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. सो मेरे पास एक ऑलरेडी मार्केट क्रिएट हुई भी है, सो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ. यहाँ पर मेरे पास एक मार्केट क्रिएट हुई है, दैट इज़ अ ड्राइड फ्रूट स्नैक्स. उसमें मैंने 5 कीवर्ड ऐड किए हैं और 3 एसेंस ऐड किए हैं. यहाँ पर आप ज़्यादा भी एसेंस ऐड कर सकते हैं, और जो मैंने प्रोडक्ट्स इस मार्केट में ट्रैक किए हैं दैट आर 15, और इसके अलावा मेरे पास न्यू सजेशंस 1000+ आ रही हैं. सो ये आपके पास कुछ इस तरह के रिजल्ट्स होंगे कि ये ड्राई फ्रूट स्नैक्स में ये मैंने कीवर्ड्स ऐड किए हैं जिनके अक्रॉस मुझे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं. यहाँ पर मेरे पास 1000+ सजेशंस हैं, और मैंने इनमें से 15 को सिलेक्ट किया है, तो मैं अगर ज़्यादा जो जिस भी कंपेटिटर के मैं रिजल्ट्स देखना चाह रहा हूँ अक्रॉस द मार्केट, उनको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से ट्रैक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास ये स्टैट्स शो हो रहे हैं कि कितना रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जनरेट कर रहे हैं, और कौन सा सेलर कितना मार्केट शेयर लेके जा रहा है या कितना चंक ऑफ सेल्स वो जनरेट कर रहा है. सो यहाँ पर आप मार्केट के आपके डीप इंसाइट्स मिल सकते हैं, और एस्टिमेटेड कीवर्ड सर्च वॉल्यूम भी यहाँ पर वो हमें शो कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल है, दैट इज प्रॉफिट्स. डैशबोर्ड है ये आपके आपको आपके अकाउंट के की मेट्रिक्स बताते हैं, या क्या आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं डेली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी, और अगर आप कोई कस्टम डेट रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको आपके अकाउंट के समरी बताएगा कि आपका जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उनका टोटल ग्रॉस रेवेन्यू कितना है, उनकी आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, फिर आपके प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं, और उसके जरिए से फिर आप वहाँ से अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं. सो उसके अलावा ये आपको जो आपके अकाउंट के फॉर द पास्ट फ्यू डेज जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड जिन आइटम्स का आ रहा है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, और जिनका इंक्रीजिंग ट्रेंड है बेस्ड अपॉन द नेट प्रॉफिट्स वो ले आइटम्स भी बताता है. फिर आपके जो स्टोर के परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं कि आपके जो ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं उनमें से आपके रिफंड्स कितने आए हैं, और आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कितना आया है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल हुए हैं, जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं उनके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कितना है. और उसके बाद यहाँ पर ये ग्राफिकल व्यू में आपको नेट प्रॉफिट और यूनिट सोर्स का कंपैरिजन बता रहा है. बेसिकली कंपैरिजन करंट मंथ का प्रीवियस मंथ से होता है. नेक्स्ट अब आपके पास ये टूल आपको ये बताता है कि आपके जो हाई सेलिंग आइटम्स हैं उनके क्या मेट्रिक्स रहे हैं. लेट सपोज अगर मैं इस आइटम की बात करता हूँ कि ये अब तक इस मंथ में इसका जो ग्रॉस रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो इतना है, और उसके अलावा जिसकी अमेजोन फीस कटी है वो इतनी है, और जो रिफंड्स हैं इन सबको हम लोग इनका अगर नेट टोटल करें तो हमारे पास जो पे आउट रिसीव हुआ है वो इतना है, और उसमें से अगर हम पीपीसी कॉस्ट और टैक्स को इंक्लूड करें तो हमें नेट प्रॉफिट जो आया वो 302.11 डॉलर्स है. सो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारे पास कितना है, 35%. नेक्स्ट जो हमारे पास है टूल वो है लर्निंग का. आप लोगों को पहले एक मैं चीज़ बताता चलूँ कि आप कोई भी मॉड्यूल या कोई भी टूल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बटन बना रहा है जिसके ऊपर वीडियो का साइन है, तो अगर इसके आप ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कोई भी अगर मॉड्यूल है जिसके बारे में आपको नहीं पता तो बेसिकली आपको हीलियम की तरफ से ऑफिशियल का एक ओवरव्यू मिल जाएगा. सो इसी तरह हमारे पास जो लर्निंग का टूल है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है इन 3 टूल्स के जरिए से, विद फ्रीडम टिकट बीइंग द बेसिक वन, और प्रो ट्रेनिंग में आपको इन डेप्थ वीडियोज के ट्यूटोरियल होते हैं, और अकेडमी में आपको हीलियम का सारा ओवरव्यू दिया जाता है. तो जिस तरह अमेजोन के बैकएंड पे आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है सेलर यूनिवर्सिटी का, इस तरह हीलियम ने भी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है बाय मीन्स ऑफ दीज 3 टूल्स कि आप हीलियम के बारे में नॉलेज ले सकें. जो लास्ट हमारा मॉड्यूल है दैट इज़ मार्केटिंग, इसको मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगा. इसमें जो एक टूल है उसके बारे में आपको बताता हूँ, दैट इज़ एटॉमिक. हमारे पास बेसिकली ये पीपीसी ऑटोमेशन का टूल है. हमारे पास थर्ड पार्टी इसके अलावा भी और कई सारे टूल्स हैं जैसे जोन्स टूल और सिलोजो, लेकिन हीलियम जो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पीपीसी ऑटोमेशन वो इस टूल के जरिए से एटॉमिक. पर्सनली मैं जो मैनुअल पीपीसी है उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आपका जो ह्यूमन माइंड है उसको कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेप्लिकेट नहीं कर सकती. हैविंग सेड दैट, अगर आपके अकाउंट में स्क्यूज बहुत ज़्यादा है और आपके पास टाइम नहीं है, सो आपके पास ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी पीपीसी को ऑटोमेट कर दें. सो ये आपको करता है क्या कि आपको आपके अकाउंट के की मेट्रिक्स बताता है, जैसे आपकी टोटल ए कॉस्ट कितनी है, उसमें से आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कितने हैं और आपके पीपीसी के ऑर्डर्स कितने हैं. फिर ये स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करता है जिसमें ये टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट्स को और बिड्स को खुद ही एडजस्ट कर लेता है, और इसके अलावा ये आपको बहुत ही इनहांस किस्म की सर्च टर्म रिपोर्टिंग भी बताता है, जिसमें आपको बताता है कि कौन से कीवर्ड्स इन पे कन्वर्जन अच्छी हो रही है और कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उनको आप नेगेटिव टारगेटिंग भी कर सकते हैं. सो
सो दैट्स ऑल फोक्स आई हैव फॉर नाउ एज फार एज हीलियम 10 इज कंसर्न. मैंने अगला टूल भी इसी एपिसोड में कवर करना था, बट दिस वीडियो हैज गॉन अ बिट फार. सो नाउ हिट द नेक्स्ट बटन फॉर द जंगल स्काउट्स ऑफ. थैंक्स.